ऋषि दयानंद जी महाराज को जिस बालक ने बचपन में थोड़ा बहुत भी समझ करके तद अनुकूल आचरण करना शुरू कर दिया, तो वो एक दिन वहां पर होगा जहां पर आज आचार्य विष्णु मित्र जी और स्वामी संपूर्णानंद जी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यासी और आचार्य होके ही होगा, वो अपने जीवन में उस नींव के पत्थरों को पहचान लेगा जिन नींव के पत्थरों से जीवन रूपी भवन बनता है। आज बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भेजा जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बहुत बढ़िया एकदम गूगल महर्षि की शरण लेकर के लेटेस्ट सूचनाओं से बच्चों को बिल्कुल अपडेट रखा जा रहा है, और अच्छे से अच्छा स्कूल जैसे अभी बहन जी ने बताया डीएवी स्कूल की हमारी श्रृंखला है, और संसार भर में नॉन गवर्नमेंट एशिया का सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है डीएवी जिसके इतने स्कूल कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी है। ईसाई भी इसके सामने अभी तक इस मुकाबले में नहीं है। पर एक बात मैं बता देता हूं आपको, स्कूल कितना ही अच्छा हो, पढ़ाई कितनी अच्छी हो, पुस्तकें कितनी अच्छी हो, इंटरनेट की व्यवस्था भी कितनी बढ़िया हो, पर यदि उसमें चरित्र निर्माण की व्यवस्था नहीं होगी तो ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। उसका उदाहरण सुन लो, आज जो आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस जो भी रिटायर हो रहे हैं इस समय लोग, उनमें से 90% लोग वो हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके आईएएस बने थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ करके वो आईएफएस बने आईआरएस बने। कोई 7 किलोमीटर पैदल चलता था, कोई 12 किलोमीटर पैदल चलता था, कोई दोपहर की रोटियां साथ में लेके जाता था, किसी के यहां दोपहर का खाना खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, भुने हुए चने लेकर के साथ में जाता था। वो 90% लोग ऐसे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके आईएएस बने, प्रोफेसर बने, और भी जितने भी हैं सब, उनमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो उस समय गवर्नमेंट स्कूल या और बहुत बड़े। क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था संघर्ष, तपस्या, अभाव। ध्यान रखना, आज हम सुरक्षित है ना। एक आदमी ने एक बार मेरे को उद्घाटन में बुलाया स्कूल के, और बोला जी हमने एक विशेष व्यवस्था की है इस नगर में, वो आज तक व्यवस्था नहीं थी, स्पेशल एक व्यवस्था की है। क्या? हमने स्कूल को फुली एयर कंडीशन बना दिया। मैंने कहा इससे बुरा आप इस समाज के लिए और हमारे देश के बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। बोला है ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने करोड़ों रुपए लगा स्कूल में। मैंने कहा देश की आर्मी 48 डिग्री पे 45 डिग्री पे टेम्परेचर पे और वहां थार में मरुस्थल में टेंटों में पड़ी रहती है, यदि उस आर्मी को एयर कंडीशन में दे दिया जाए और युद्ध के समय कहा जाए कि जाओ तुम लड़ाई लड़ो और युद्ध लड़ो, वो उसमें से बाहर निकलते ही मर जाएंगे उस टेम्परेचर में जहां माइनस डिग्री है, बर्फ का पहाड़ है, वहां भी वो डटे खड़े हैं, जहां आग बरस रही है ऊपर से वहां भी वो डटे खड़े हैं, जहां पर पानी बरसता है 24 घंटे वहां भी वो डटे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष, तप, तपसा आवृता, अथर्ववेद का वचन है, श्रमेण श्रेष्ठा तपसा आवृता, तप से आवृत होना चाहिए। तप नहीं करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ता और पा से बनता है तप, और इसका उल्टा कर दो फिर क्या हो जाएगा? पा और ता से बनता है पत। आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
डॉक्टर से मिलने के लिए गया, कोई काम था। मैंने कहा आपको, मैं बोला मैंने आपको मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में देखा है, एक बार आप प्रवचन देने आते, 10 मिनट हो जाए तो बता देना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो आचार्य जी का प्रवचन सुनना है मैंने। तो उसने कहा मैंने आपको एक मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में आप प्रवचन देने गए थे, लेक्चर उस स्वामी चांदनाथ जी महाराज थे मान जी, उस समय अपने मित्र थे, अब तो देहावसान हो गया। तो मैंने कहा आप बी एड, क्योंकि वहां तो डॉक्टर एमबीबीएस तो है नहीं, बीएमएस है। हाँ मैंने कहा आप तो बीएमएस हो। हाँ अच्छा, मैंने कहा बेटा ये बता ईमानदारी से, बीएमएस तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी या एमबीबीएस तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी? बोला मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो एमबीबीएस थी, और मेरे को एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में मेरे को बीएमएस करना पड़ा। मैंने कहा था फिर तू 4 साल मजदूरी करके आया, बोला क्या बात कर रहे हो, मैं बीएमएस हूं, डॉक्टर हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। मैंने कहा कुछ नहीं कहो अपने आप को, तूने 4 साल मजदूरी की है। बोले क्यों? अरे मैंने कहा जो काम मजदूरी में किया जाए वही तो मजदूरी है। किसान में खेत में मालिक भी कस्सी चलाता है, मजदूर भी कस्सी चलाता है। मजदूर घड़ी देखता है 5 बजे कस्सी फेंक करके चलता है, और मालिक 8 बजे तक भी कस्सी चलाता है, क्योंकि मालिक का वहां पैशन है, मालिक का वो चुनाव है। मजदूर की मजदूरी है 5 बजे तक चलाना, नहीं तो पेट भरेगा नहीं। तो जो काम मजदूरी में है वही मजदूरी है। आज क्या हो रहा है, सब कुछ मजबूरी में, माता पिता मजबूर हैं, जाते हैं ना घर, क्या करें, ये बच्चे मानते ही नहीं है, यही तो मजबूरी है जो बच्चे मान। मैंने कहा इनको जल्दी उठाओ, उठते नहीं है। मैंने कहा रात को जल्दी खाना खिलाओ, खाते नहीं है। मैंने कहा जल्दी सुनाओ, सुनते नहीं है। मैंने कहा बच्चे किसके हैं? तो हमारे आपके हैं, जल्दी उठते नहीं, जल्दी सोते नहीं, टाइम पे खाना खाते नहीं, टीवी से हटते नहीं, मोबाइल फोन से पीछा नहीं छोड़ते, तो आपके कहां है? बोला बस ऐसे ऐसे रह गए अब हमारे। ये एक कारण है। क्या कारण है? आप जो यहां बैठे हैं, 100 व्यक्ति मेरे को ये बात कहने वाले अभी मिल जाएंगे आप में से, कि हमारे माता पिता जब हम घर आते थे बिना संध्या किए भोजन नहीं करने देते थे, सुबह हवन किए बिना घर से नहीं जाते थे। अरे भाई देखो, हमसे ज्यादा जन से जुलूस आज तक किसी कौम ने निकाले, आर्य समाज से ज्यादा जन से जुलूस किसी कौम ने नहीं करे, आर्य समाज से ज्यादा प्रवचन आज तक किसी कौम ने नहीं दिए, फिर भी हम घटते जा रहे हैं। क्यों घटते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बालकों का, घर का, परिवार का बचपन है, वो बचपन संभलेगा तो फिर वो 55 तक काम करेगा। यदि बचपन संभल गया तो 55 तक जाएगा, और यदि नहीं संभला तो आप देख ही रहे हैं। तो बच्चों, महर्षि दयानंद जी महाराज का एक ही सूत्र है, क्या? जो जो बालक विद्यार्थी है और विद्या काल है, विद्या अर्जन के काल में तप करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कम से कम चीजों में पढ़ने का, जीवन व्यतीत करने का तरीका सीखेगा। और बहन जी कह रहे थे प्रिंसिपल साहिबा IAS बनना है, IPS बनना है, बनना है, बिल्कुल बनना है, पर उसमें 4-5 शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु है टीवी, दूसरा शत्रु है मोबाइल फोन, तीसरा शत्रु है फ्रेंड्स का बड़ा सर्कल, चौथा शत्रु है रात के 9 बजे की चैटिंग, और 5वां शत्रु है बेजाया इंटरनेट का यूज। आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, 5 चीजों से बचा लो। 1 मिनट और दे देता हूं, अब एक सूचना दे देता हूं आपको। 1 तारीख को ऋषि का बोध पर्व मना रहे हैं, इस 1 तारीख को सायंकाल 4:30 बजे इतिहास की रचना रची जा रही है। 1 तारीख को अजमेर में, ध्यान रखना, महर्षि दयानंद जी महाराज ने पहली श्वास ली थी टंकारे में, अंतिम श्वास ली थी अजमेर में। अजमेर में मैं पहुंच रहा हूं 1 तारीख को, वही
3 करोड़ रुपए की लागत से फर्स्ट फेज का महर्षि दयानंद जी महाराज का अंतरराष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास किया जा रहा है। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी राजस्थान की सरकार ने बॉम्बे दिल्ली हाईवे पे 3 बीघा जमीन दे दी है ट्रस्ट को और उसमें 3 करोड़ रुपए का एमओयू साइन जमशेद टाटा बॉम्बे आर्ट स्कूल से हो गया है। 5 महीने में उसको पूरा करके देंगे वो और इसी निर्माण दिवस अगली ये जो दिवाली आ रही है इसी वर्ष की इस पे सायंकाल उसका बोध पर्व पे सायंकाल उसका शिलान्यास होगा और इसी निर्माण दिवस दीपावली पर सायंकाल उसका उद्घाटन होगा। इस संकल्प के साथ में इसका शिलान्यास कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए लगेंगे और वो 3 करोड़ रुपए केवल 30 आदमियों से लिए जाएंगे। 11 लाख रुपए के केवल 30 आदमियों को हमने चुना है। उस अंतरराष्ट्रीय स्मारक पर 30 व्यक्तियों के नाम की पट्टिका रहेगी। न 29 से लेंगे और न 31 से लेंगे, केवल 30 से लेंगे। और उस 30 व्यक्तियों में से मैंने अपने दिमाग में वो निश्चित कर रखा है 3 व्यक्ति करनाल के अकेले उसमें अपना नाम लिखाएंगे तो फिर मैं सारे देश से इकट्ठा कर दूंगा। इकट्ठा मैं नहीं करना है, 3 व्यक्ति केवल करनाल से लेंगे हम। किसी का सामूहिक दान नहीं, वो अलग है, ट्रस्ट को देंगे आप। पर स्मारक के लिए ये निश्चय किया गया कि केवल 30 व्यक्तियों का दान देंगे, बाकी जो भाग तो देना चाहेंगे वो ट्रस्ट में ऋषि निर्वाण न्यास में जाएगा। किसी का संगठन का सोसाइटी का 100 का 50 का 1 लाख का 2 लाख का ऐसे नहीं है। तो आप भी इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो कहता हूँ 3 क्यों, यदि 30 के 30 व्यक्ति करनाल से हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, फिर तो उसमें क्या दिक्कत है, नहीं तो सारे देश में से टूट करके लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।